Today in this lecture, I will tell you about adverb and the kinds of adverb. So, मैं स्टार्ट करता हूँ अपना लेक्चर. What is adverb? First of all, definition of adverb. Adverb किसे कहते हैं? Adverb is a word which is mostly used to show the time, manner and the degree of verb. An adjective or any other adverb in a sentence is called adverb. अब एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब एक ऐसा अल्फाज है जो मोस्टली तौर पर यूज़ होता है किसके लिए, हमें बताता है, शो करता है टाइम, मैनर मींस तमीज़ और कैफियत, एंड डिग्री, हालत किसकी, वर्ब की, एडजेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब की, एंड आर एनी अदर एडवर्ब और दूसरे एडवर्ब की, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं. और दूसरी डेफिनेशन में बता रहा हूँ, एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच एड्स द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव, वर्ब एंड आर एन अदर एडवर्ब. जो एडवर्ब हम उसे कहते हैं जो वर्ब की, एडजेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करे, उसको हम एडवर्ब कहते हैं. सिंपली एडवर्ब उसे हम कहते हैं जो एडजेक्टिव, वर्ब और दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करें, उसे हम एडवर्ब कहते हैं. सो इट्स अ वेरी सिंपल. अब एग्जांपल देख लीजिए, शी स्पीक्स क्विकली, वो जो बोल रही है बहुत ही तेज़ी से बोल रही है. सोनम इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, सोनम जो है वो बहुत ही खूबसूरत है. एक्सट्रीमली मीन्स एडजेक्टिव की, ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की इसने क्या किया, एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा किया. यहाँ एक्सट्रीमली एडवर्ब है, एडवर्ब. यहाँ क्विकली एडवर्ब है, इसमें वर्ब की मीनिंग में इसने इजाफा किया था, ये वर्ब है. स्पीक क्या है? वर्ब है, एक्शन है. नंबर थर्ड, ही आंसर्स वेरी ब्रेवली, उसने जवाब दिया बहुत ही बहादुरी से. अब यहाँ वेरी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है. अब एडवर्ब एडवर्ब की भी मीनिंग का इजाफा करता है, मैंने बताया था ना, एडवर्ब एडवर्ब की मीनिंग का भी इजाफा करता है. सो दिस इज़ द एडवर्ब. नाउ आई विल टर्न टू द काइंड्स ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब नंबर वन इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आर नंबर भी से कहते हैं. इंटरोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब एंड द एडवर्ब ऑफ डिग्री. नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द व्हाट इज द फर्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम. नाउ आई विल डिस्कस, आई एम डिस्कसिंग एडवर्ब ऑफ टाइम. अब एडवर्ब ऑफ टाइम किसे कहते हैं? एडवर्ब विच शोज द टाइम इन अ सेंटेंस इज अ कॉल्ड, इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम. जो जुमले में क्या करे, टाइम को शो करे, उसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं. अब एग्जांपल क्या है? आई फाउंड हिम नाउ, मैंने अभी अभी उसको एक कॉल मारी है, कॉल की है. नंबर दूसरा, शी वेंट टू कराची यस्टरडे, अब यह भी टाइम है, वो कल गई थी कराची. ये नाउ भी टाइम है. आई एम वेरी हैप्पी टुडे, टुडे भी टाइम है, आज मैं बहुत ही खुश हूँ. सो दिस इज द एडवर्ब ऑफ मैनर. दोज एडवर्ब विच टेल्स द फीलिंग्स ऑफ एनी पर्सन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर. अब एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताया? किसी भी पर्सन की सेंटेंस में हमें फीलिंग्स बताता है, किसी की जज्बात बताता है, किसी कैफियत बताता है. अब एग्जाम्पल देख लीजिए, ही टोल्ड ऑल द स्टोरी क्लियरली, उसने जो भी स्टोरीज बताई हैं वो क्लियरली हमें बता दी हैं. वी लेफ्ट ईच अदर हैप्पीली, हमने एक दूसरे को खुशी से छोड़ दिया. खुशी क्या है? जज्बात है मेरे, हैप्पीली. शी डिड वर्क बट लेजीली, उसने काम तो किया है मगर बहुत ही लेजी, थके हुए जैसी, बहुत ही थक गई है. नंबर थर्ड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. अब एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या होता है? एडवर्ब विच शो द प्लेस इन अ सेंटेंस, ये सेंटेंस में हमें प्लेस, जगह का बताता है. एग्जाम्पल देख लीजिए, ही कम्स हियर, वो यहाँ
आ रही है. They were inside the room. वो रूम के अंदर है. Everywhere you will find God. हर जगह आपको खुदा मिलेगा. Here is a place means यहाँ इस जगह पे. Inside means अंदर, रूम के अंदर. Every means हर जगह. Every यहाँ adverb of place है. Here यहाँ adverb of place है. Inside यहाँ adverb of place है. Number fourth is adverb of frequency or number. Adverb which shows the number that are called adverb of frequency. वो adverb जो हमें किसी भी जुमले में फ्रीक्वेंसी बताएं, नंबर बताएं उसकी. आई हैव नेवर विजिटेड द लाड़काना सिटी. मैंने कभी भी लाड़काना सिटी नहीं देखा है. ये अब नेवर क्या बता रहा है? कभी भी नहीं मीन्स नंबर बता रहा है. शी ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस अ डे. वो दिन में दो दफ़ा मीन्स ये नंबर है, ब्रश करती है अपने दांतों को. काइंड ऑफ एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब. एडवर्ब विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चन. ये एडवर्ब क्या करता है? हमें आस्क क्वेश्चन का आस्किंग में काम आता है. एग्जांपल देख लीजिए. हाउ लॉन्ग हैव यू बिन इन लाड़काना सिटी. आप यहाँ लाड़काना में कितने दिन से हो? हाउ यहाँ क्या है? मैनर है. हाउ मीन्स किसके लिए ये यूज़ होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए यूज़ होता है. वेयर डिड शी यूज टू लिव इन कराची. वो कब से कराची में रह रही है? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए यूज़ होता है. वेयर यहाँ ये क्वेश्चन काम, क्वेश्चन पूछने के भी काम आता है. और ये यूज़ किसके लिए होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए. व्हेन डू दे स्टार्ट देयर वर्क. उन्होंने काम कब से स्टार्ट किया है? व्हेन अब टाइम के लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए यूज़ होता है. इंटरोगेटिव एडवर्ब मगर हमें यूज़ किसके है? एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए. Why does she hates you? वो तुमसे नफ़रत क्यों करती है? अब why जो ये यूज़ होता है वो रीज़न के लिए यूज़ होता है. रीज़न के है एडवर्ब. नंबर सिक्स इज, नाउ आई एम टेलिंग यू द नंबर सिक्स, रिलेटिव एडवर्ब. रिलेटिव एडवर्ब क्या है? एडवर्ब विच शोज द रिलेशनशिप ऑफ पर्सन प्लेस टू एन अदर पर्सन प्लेस इज कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब. वो एडवर्ब जो रिलेशनशिप बता है एक आदमी या पर्सन, किसी भी पर्सन प्लेस का दूसरी पर्सन प्लेस के साथ आदमी और जगह से, उसे हम एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं. एग्जांपल देखिए. आई नो द प्लेस वेयर डू यू सिट डेली. मैं वो जगह जानता हूँ जहाँ तुम रोज़ाना बैठते हो. यहाँ वेयर क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये दो सेंटेंस को मिला रहा है, जोड़ रहा है, रिलेशनशिप दे रहा, देख दिखा रहा है दो आदमियों के, उसी आदमी के साथ ही उसी आदमी का रिलेशनशिप देख रहा है, दिखा रहा है. शी मेक्स मी हैप्पी व्हेन आई एम सैड. वो मुझे हंसाती है, वो मुझे खुश करती है जब मैं बहुत उदास होता हूँ. यहाँ क्या हो गया? व्हेन. यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन के बतौर इस्तेमाल हो गए. नंबर सेवन, एडवर्ब ऑफ डिग्री. अब एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है? इसमें इंटरेस्टिंग. एडवर्ब विच शोज द क्वांटिटी, क्वालिटी क्वांटिटी एंड लिमिट ऑफ एडजेक्टिव एंड वर्ब इज कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ डिग्री. जो एडवर्ब शो करे क्वालिटी, क्वांटिटी और लिमिट एडजेक्टिव की, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं. अब एग्जांपल देखिए. इट इज़ नियरली लाइक यू. वो आपकी तरह है. नियरली मीन्स यहाँ एडवर्ब डिग्री दिखा रहा है, इसकी शेप आपसे मिलती है. नियरली मीन्स इसकी नियरली, यहाँ एडवर्ब ऑफ डिग्री ये बता रहा है. यहाँ इट वॉज पार्शली बेटर, ये कुछ ना कुछ बेहतर है. पार्शली यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है. इट इज़ अलमोस्ट डन, ये डन हो गया है, काम हो गया है. अलमोस्ट यहाँ एडवर्ब ऑफ डिग्री है. यू आर वेरी गुड पीपल. तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो. ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, शेयर इट, कमेंट इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल.